जी न्यूज पोर्टल के दोस्तों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे एक इंडस्ट्रीज एरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगने से एक महिला लेक्चरर की मौत हुई है और उनके पति भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और गंगापुर सिटी के राजकीय चिकित्सालय में उन्हें लाया गया, जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और उदय मोड़ पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर बदलते समय गैस ने आग पकड़ ली और ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लग गई। इससे पति पत्नी दोनों पूरी तरह से झुलस गए और पत्नी की तो मौत हो चुकी है और पति का भी इलाज चल रहा है। और उदय मोड़ थाना प्रभारी जी मौके पर पहुंच गए हैं। उदय मोड़ थाना प्रभारी जी मौके पर पहुंच गए और मालूम करना चाहेंगे सर कि क्या मामला हुआ था। आज सुबह 5 बजे जो बताए हैं अभी इन्होंने, उसके साथ 5 बजे सुबह अपने संतोष देवी अपने पति को एक्सरसाइज करा रही कि वो कोविड से पॉजिटिव है उनके पति, तो अभी वो पीड़ित थे कोविड से, उसकी वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था। उसको शॉर्ट सर्किट की वजह से घर पे ही एरिया में जी, और आग लगने की वजह से उनके कपड़ों में आग। और संतोषी मीना की तो जो लेक्चर आ रहे हैं दर्दनाक मौत हो गई और पति का उनका इलाज चल रहा है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके। इंडस्ट्रीज एरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ है और ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करते हुए संतोषी मीना है जो लेक्चर आ रहे हैं वजीरपुर में, उनकी दर्दनाक मौत हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगने के कारण। और पति का उनका वो भी झुलस गए उनके पति, और उनका रिया अस्पताल में इलाज चल रहा है।